नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड के जून कॉन्ट्रैक्ट की, जो एक्सपायर होगा 5 जून को। तो कल मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में गोल्ड में जिस तरीके का मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, तो एक सेलिंग प्रेशर मुझे नज़र आ रहा था। और उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सेलिंग का लेवल है वो आप रखेंगे 45,250 का, 50 बताया था, 53 बताया था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर इसी के आसपास का कुछ लेवल था कि आप इसके नीचे ही अगर मार्केट आता है तो आप सेल करें, अदरवाइज़ आप गोल्ड में कुछ ना करें। और आप अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो आप उसे एज इट इज़ होल्ड करें। दूसरी, मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि ये अगर 46,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ये 46,400 के आसपास का लेवल बहुत इजीली दिखा पाएगा। और जो इसमें नेक्स्ट और फाइनल रेजिस्टेंस लेवल होगा वो मैंने आपको बताया था कि वो होगा 46,600 का। ये अगर इसे भी ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, सक्सीड कर जाता है, तो हम इसमें बहुत एक अच्छी रैली देख सकते हैं। और आगे को हो सकता है ये अगला लेवल 50,000 के आसपास का टेस्ट करे, और जो इसका एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा कि 50,000 का लेवल टच करेगा या नहीं करेगा, तो वो हमें आगे देखना होगा। तो 46,600 अभी हमारा बिल्कुल एक बेंचमार्क लेवल है जिसमें हम देखेंगे कि उसे ब्रेक करने में सक्सीड हो पाता या नहीं हो पाता। और मैं आपको इसमें यहाँ और दिखाता हूँ, ये देखिए मार्केट जिस तरीके का था, यहाँ पर इस बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा, और उसके बाद क्लोज होने से 5 घंटा पहले ही रैली शुरू हुई और एंड तक चलती रही। तो 46,000 के ऊपर इसने अपने आप को सस्टेन भी किया है। और एक जो 46,000 का लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल नहीं कहेंगे, ये टेक्निकल लेवल ही, साइकोलॉजिकल लेवल तो इसका 50,000 ही समझूंगा मैं, जिससे लोग देख रहे हैं कि 50,000 का लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। तो 46,000 पे इसमें एक रेजिस्टेंस लेवल था, वो इसने बहुत इसीलिए ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट लेवल है इसका 46,600 का, वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा वो भी देखने का होगा। और इसमें मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिए ये 4 घंटे का चार्ट है, ये और थोड़ा मैं नैरो करूँगा तो आपको समझ में आएगा। इस पैटर्न को बोलते हैं, ये ऊपर में हेड एंड शोल्डर होता है, और ये जब इस तरीके का एक पैटर्न बनता है तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल होते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। अब एक चीज़ है कि मार्केट चल रहा है 46,165 पे, अब आप क्या करें? यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को एज इट इज़ होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन लें, मार्केट से एग्जिट कर, मतलब बाहर है तो बाहर रहें, या शॉर्ट पोजीशन लें। देखिए पहली चीज़, शॉर्ट पोजीशन बिल्कुल ना लें, लॉन्ग पोजीशन फ्रेश वो भी ना लें। इफ़ यू आर होल्डिंग अ लॉन्ग पोजिशन तो आप होल्ड रखें उसे और उसे मेंटेन करके चलें। मार्केट में अभी कहीं पर ऐसा कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा, हो सकता है कि आज इसमें कुछ हायर लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। 46,600 का जैसे मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, तो उसके आसपास इसमें एक सेलिंग आ सकती है। 46,600 के 600 के ऊपर इसे मेंटेन करना ज़रूरी है, आप इस चीज़ को भी और एक ध्यान रखिए कि 46,600 के ऊपर ये करीब अगर 2-3 घंटे अगर आपको मेंटेन करा गोल्ड ने अपने आप को, तो इसमें आप समझिएगा कि ये उसे ब्रेक कर चुका है। अदरवाइज़ ये 15 मिनट 1 घंटा अगर वहाँ पर सस्टेन करके मार्केट गिरने लगा तो वो ये हम समझेंगे कि इसमें उस लेवल पे एक करेक्शन आ गई है। तो ये आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखिए। जो अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है तो आप उसे होल्ड करके रखिए, और आप स्टॉप लॉस अभी फ़िलहाल आप मेंटेन करके रखेंगे 45,600 का। तो गोल्ड में यही है, गोल्ड में मैं इसलिए कुछ ज़्यादा लेवल्स आपको नहीं बता पा रहा क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे है ये अपने, ये अगर उसे ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुआ तो मार्केट में गोल्ड में ख़ास तौर से एक कम सेलिंग वापस देख सकते हैं जो इसे नीचे की तरफ लाना शुरू कर देगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसने बहुत
अच्छे सिग्नल दिए हैं कि जो इसने अपना एक प्रीवियस हाई बनाया था $1,747 के आसपास का, वो ये ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगा और शायद ये ऊपर के लेवल्स अब बनाने लग जाएगा। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि चार्ट को देखते हुए कि शायद ये उससे बहुत इजीली ब्रेक कर देगा, पर लेवल्स हमारे सामने अगर हैं तो हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। 46,600 का लेवल हमारे सामने है, हम उसे दिमाग में ज़रूर रखें कि ये उसे ब्रेक करता है या नहीं करता, वरना इसका सेलिंग प्रेशर का जो लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो यहीं कहीं पर आ जाएगा अभी थोड़ा सा ऊपर जाते ही। तो वहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन को होल्ड आप रख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल ना बनाएं। सेलिंग पोजीशन भी इसलिए ना बनाएं कि सेलिंग पोजीशन आप बनाते हैं तो मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो ऊपर का ही बना हुआ है। अभी सेलिंग पोजीशन गोल्ड में या सिल्वर में, इन दोनों ही कमोडिटीज़ में आज के लिए मैं बिल्कुल ही, मैं आपको बोलूँगा कि आप बिल्कुल ही ना बनाएं। और मार्केट में या तो आप बाहर रहें या होल्ड रखें या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलें। तो ये था मेरा गोल्ड पे आज का वीडियो। और लेवल्स जानने के लिए आप देखते रहिए किसी और कमोडिटीज़ पे या किसी और स्टॉक पे। आप अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिख के दीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और मुझे भी अगर किसी में कुछ ऐसी हाईली वोलेटाइल या मार्केट किसी स्टॉक में या निफ्टी में भी अगर ऐसा कुछ लगता है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। कुछ मेरे पास ऐसी रिकमेंडेशन आती है तो मैं वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको लेवल्स इसी तरीके से पता चलते जाएंगे और चार्ट के साथ पता चलेंगे। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फेक कॉल या फिर कहीं इंदौर से आपके पास कुछ कॉल आ रही हो कि इंदौर से हम कॉल कर रहे हैं और आपको हम ये कॉल देंगे वो कॉल देंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इतनी है, आपका मंथली चार्ज इतना रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग पे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अगर किसी चीज़ की नॉलेज है, वीडियोस में बना रहा हूँ, आप सिर्फ इतना कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर चैनल की एक नोटिफिकेशन आती रहेगी, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी जैसे ही मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा, और आप अपडेट रहेंगे मार्केट के साथ और लेवल्स के साथ। तो ये था मेरा गोल्ड पे वीडियो, आगे भी आप ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।